हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3.11 शुरू करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज 7.896 मल्टीप्लाई बाय 10^-5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि हमें कंडक्टिविटी कापा की वैल्यू दे दी है 7.896 मल्टीप्लाई बाय 10^-5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और जो कॉन्सेंट्रेशन है सी 0.00241 मोलर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो पहले पार्ट में हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए बोला है। तो मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे हम लोग, व्हाट इज द फॉर्मूला, कापा अपॉन सी, कंडक्टिविटी को कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देंगे। अब यूनिट का यहाँ पे इशू है, तो मोलर मतलब यहाँ पे क्या चीज हो गया, मोल पर लीटर या फिर मोल लीटर इनवर्स। तो यानी कि जो सेंटीमीटर और लीटर है, इन यूनिट्स को बैलेंस करना जरूरी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करके आपको बता दूँ कि क्या आएगा मेरे पास। मेरे पास है 7.896 डिवाइडेड बाय 0.00241, तो ये आ रहा है मेरे पास 3276.35 और मल्टीप्लाई में 10^-5 एज इट इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो लीटर है इसको ऊपर ले जाते हैं और मोल, तो ये चीज मेरे पास आ गई। नाउ अभी इसको फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं अपन, लीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो मुझे उसका रिलेशन पता होना चाहिए। तो 1 लीटर में 10^3 या 1000, ओके, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 10^3 क्यूब, 10^3 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यानी कि यहाँ पे अपन लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए 10^3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब और डिवाइड में मोल। तो अब ये बन गया मेरे पास 32.76.35। 10^-5 का 5 प्लस का 3 माइनस का 2 हो गया, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोल ऊपर चला गया यूनिट में, तो 0.2 पॉइंट छोड़ के और डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि 2 डिजिट, माइनस का 2 मतलब नीचे 100 होगा, तो 2 डिजिट और अपन ने मूव करवा दिए। तो ये मेरे पास बन गया 32.7635 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यस, सही आंसर है ये। ये मोलर कंडक्टिविटी आ गई जब कंडक्टिविटी और कंसेंट्रेशन हमें दी हुई है। अभी आगे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5, ओके, हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा नॉट, ये हमें गिवन है, दैट इज 390.5
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो ये वैल्यू मुझे दी हुई है, तो व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो के अल्फा कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। उससे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अल्फा। अल्फा कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, दैट इज कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जो मेरे पास ये वैल्यू आई है उसे मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से डिवाइड कर दूंगा, तो मोलर कंडक्टिविटी कितनी आई थी, 32.7635 एंड डिवाइडेड बाय 390.5। कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी है, तो मैं इधर डिवाइड करके देखते हैं आपका, 32.7635 डिवाइडेड बाय 390.5, तो मुझे वैल्यू मिल रही है 0.0839। तो ये अल्फा यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब सॉरी, दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे, दैट इज के अल्फा, और इसका फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। कॉन्सेंट्रेशन रब कर दी है मैंने, मैं आप दोबारा लिख देता हूँ बुक में से, 0.00241 अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास इसका स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। सबसे पहले मैं ऊपर वाली क्वांटिटी को सॉल्व करता हूँ, 0.00241, 0.0839, 0.0839, बहुत स्मॉल वैल्यू आ रही है, 0.12345 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.0839। अब इसको डिवाइड करेंगे, 0.0002 डिवाइडेड बाय 0.9161, ये मेरा अप्रोक्सीमेटली 0.0। मोबाइल में कैलकुलेट करने की वजह से थोड़ा इधर एक्यूरेट नहीं आ रहा है, लेकिन अदरवाइज अप्रोक्सीमेटली तो आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, तो 10^-5, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया। इनका 1.86 आ रहा है, तो 1.86 को राउंड करोगे तो 2 ही बन जाएगा, लेकिन मैन्युअली कैलकुलेशन करने पे आपका आंसर प्रॉपर नहीं मिलेगा, ये कैलकुलेटर से इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, मोबाइल कैलकुलेटर से जो मेरे पास है तो ये मिलेगा, अदरवाइज तरीका सेम रहेगा, सी इंटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये चीज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन, रिडक्शन के लिए कितना चार्ज चाहिए वो हमसे पूछा गया है। तीन पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट में है 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम के आइंस को एल्युमिनियम में रिड्यूस करना। अब देखिए एल्युमिनियम के आइंस हैं, तीन अगर इलेक्ट्रॉन ये गेन करेंगे तो ये मतलब रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारे पास हम लोग क्या लिखने वाले हैं, चार्ज रिक्वायर्ड, तो 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा ताकि एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाए, रिड्यूस मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर एल्यूमिनियम के आइंस को एक्चुअली 3 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ये एल्यूमिनियम में रिड्यूस हो जाएगा, तो चार्ज कितना चाहिए, 3F चाहिए, और F9650 होता है, इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा
2895 00। ये हमारे पास आ गया आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है ओके। नेक्स्ट पार्ट है 1 मोल ऑफ कॉपर आइंस टू कॉपर। सेकेंड पार्ट, कॉपर के आइंस को कॉपर में करना है तो कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? तो कॉपर के 1 मोल आइंस को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो कॉपर के अंदर रिड्यूस हो जाए, तो फिर कितना चार्ज चाहिए इसको? चार्ज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2F और F की वैल्यू 96500। वहां पर 1 0 कम लगी है, 2895। ठीक है ओके कूलम। तो ये हमारे पास आ गया 193000 कूलम। तो 2F, यानी जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उतना ही चार्ज चाहिए होता है इंफ्राडे, तो 2F चार्ज हमें रिक्वायरमेंट है। ओके इसको क्लियर करते हैं। उसके बाद है थर्ड पार्ट हमारे पास। थर्ड पार्ट में है 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव और ये रिड्यूस हो रहा है Mn2 पॉजिटिव में। ओके तो पहले तो यहां पे देखते हैं कि Mn के पास कितना ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का 2 होता है, मैग्नीज के ऊपर एक्स लगा लो, -2 × 4 माइनस का 8 और टोटल चार्ज माइनस का 1 है। माइनस का 8 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो +7। तो इसका मतलब है मैग्नीज को +7 से कितना जाना है? +2 जाना है। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब कितना चार्ज चाहिए? फाइव एफ। तो 4825000 कूलम इतना चार्ज आ गया। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उतना चार्ज ही चाहिए होता है। एफ से मल्टीप्लाई कर दो फेराडे, यानी 9650 कूलम पर मोल। यू कैन से लाइक दैट। तो 1 मोल को कन्वर्ट मतलब इतने इलेक्ट्रॉन को चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाए। ओके इसे आप क्लियर करते हैं। अब नेक्स्ट है मेरे पास, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अगेन इलेक्ट्रिसिटी पता करनी है लेकिन इन फेराडे, यानी कि एफ की वैल्यू पुट नहीं करनी हमें। और पहला पार्ट है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। देखिए कैल्शियम क्लोराइड में पहले देखते हैं कि कितने चार्ज है कैल्शियम के ऊपर। क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, ओवरऑल चार्ज 0 होगा, तो एक्स -2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू हो गई 2। तो इसका मतलब है कैल्शियम जो है वो 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता हुआ कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 1 मोल जिसमें कैल्शियम का कितना मास होता है? कैल्शियम का मास होता है 40 40 ग्राम ऑफ
कैल्शियम रिक्वायर्स टू इलेक्ट्रॉन, तो टू एफ चार्ज, या टू एफ इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पूछी है तो आप इलेक्ट्रिसिटी लिख देते हैं। तो 1 मोल को डिपॉजिट या रिडक्शन में जाना है, तो 40 ग्राम का कैल्शियम को 2F पे चाहिए चार्ज, लेकिन हमें तो सिर्फ 20 ग्राम करना है, तो 2F को पहले 40 से डिवाइड कर देंगे और फिर 20 से मल्टीप्लाई, ये कट के 1/20 आ गया, तो मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये कट के कितना आ गया मेरे पास, 1 फेराड। तो 1 फेराडे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ताकि 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट हो सके। यस सही है, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपसे ग्राम्स के विद रिस्पेक्ट पूछा हुआ है, मतलब क्या है कि आपको मास दिया हुआ है, कहीं आप सीधा से यहीं पे स्टॉप कर दो, ये तो 40 ग्राम डिपॉजिट करेगा, 20 ग्राम के लिए अमाउंट आधा चाहिए। सेकेंड पार्ट है 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम में, और फोर्टी ग्राम। तो पहले तो यहाँ पे माइनस का 2x, तो 3x, 2 × x 2x, 3 × -2 माइनस का 6, तो x की वैल्यू आ गई है 3। तो यानी कि एल्यूमिनियम ने करना क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए ताकि वो एल्यूमिनियम में रिड्यूस हो जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन इज इक्वल टू, 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल में एल्यूमिनियम का मोलर मास, व्हाट इज एल्यूमिनियम मोलर मास, 27, यस। तो 27 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 फेराडे, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 1/9, और करना कितना है 40, तो 4.44 फेराडे आंसर आ गया, कि अगर एल्यूमिनियम का 40 ग्राम डिपॉजिट करना चाहते हैं हम लोग, तो इतना चार्ज हमें प्रोवाइड, इलेक्ट्रिसिटी कैसे चार्ज भी कह सकते हो, देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3.13 हमारा डन हुआ। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 3.14, ये भी यही है, इलेक्ट्रिसिटी पता करनी है, लेकिन अब आंसर कूलम में आना चाहिए, और फर्स्ट है मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन, तो ये मेरे पास है 1 मोल ऑफ ये ऑक्सीजन का, वाटर का ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन हो गया, वी कैन से, क्योंकि वाटर ने अपना हाइड्रोजन क्या कर दिया है, लूज कर दिया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नंबर है माइनस का 2 और यहाँ पर है 0, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर ट्रांसफर हुई है, तो फिर कितना चार्ज चाहिए, 2F, और F की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 96500, सेम ही वो तो, तो 1,93,000 कूलम पर मोल यू कैन से, यस सही आंसर हमारा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन हो गया। सेकंड अब हमसे पूछा है 1 मोल ऑफ FeO कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3 में, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर सेम चार्ज है, माइनस का 2, यानी कि ऑक्सीजन का तो रोल नहीं होगा, तो आयरन का रोल होगा, इधर प्लस का 2 है और इधर आयरन प्लस का 3 है,
तो इसका मतलब है आयरन ने क्या किया है, आयरन ने एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया ताकि वो Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सके। तो फिर कितना चार्ज चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अब तक आप लोग रिडक्शन की बात कर रहे थे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, तो कितना चार्ज चाहिए, 1F, 1F मतलब 9650। ये हमारा आंसर आ गया, इजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में, और करंट पास हुआ है 5 एम्पियर का 20 मिनट के लिए। करंट है 5 एम्पियर और टाइम है 20 मिनट्स। तो व्हाट मास ऑफ Ni इज डिपॉजिटेड कैथोड, तो कितना मास निकल का डिपॉजिट होगा वो हमें पूछा है, यानी कि रिडक्शन कितनी होगी वो पूछी गई है। ओके, यहाँ पे जो निकल नाइट्रेट है इसके ऊपर जो चार्ज है निकल का वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। नाइट्रेट के ऊपर माइनस का 1 होता है, तो एक्स -2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। तो यानी कि जो निकल है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके निकल में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया 1 मोल मतलब निकल का मास दिया होगा यहाँ पे 58.7 ग्राम को डिपॉजिट होने में 2F चार्ज लगता है, या इसका उल्टा 2F चार्ज कितना निकल डिपॉजिट करेगा, 58.7 ग्राम। अब क्योंकि हमारा कूलम में निकल के आएगा चार्ज, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कूलम, तो 9650 कूलम लिख दियो, 58.7। तो 1 कूलम में कितना डिपॉजिट होगा, ये मास है। तो (2×9650) डिवाइड में चला गया। अब टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे आप लोग, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम 20 मिनट्स है, इसके सेकंड बना लेंगे। कैसे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया आपके पास 12×5, 6000 कूलम। यानी कि जो टोटल चार्ज आप दे रहे हैं वो 6000 कूलम है। तो फिर करना क्या पड़ेगा मुझे, ये जो मास है 1 कूलम के लिए इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 6000 से। तो जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 30 पे, बाकी कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.825 बिल्कुल सही आंसर है ये। ये हमारा डन हो गया। तो इतना ग्राम निकल डिपॉजिट होगा अगर आप 5 एम्पीयर का करंट 20 मिनट्स के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करोगे। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो पार्ट है वो डन हो गया है। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।